हेलो एंड वेलकम टू हैटिकर्नर्स। हैटिकर्नर्स के आर्ट एंड क्राफ्ट कर्नर में आप सबका स्वागत है। आज हम एक्रिलिक कलर्स को यूज करके कुछ कॉर्ड कंटेनर को पेंट करके सुंदर सुंदर से पॉट्स बनाएंगे। कॉर्ड कंटेनर हो या फिर आइसक्रीम टब, किसी भी कंटेनर जिसका कि ढक्कन इस तरह से आप यूज कर सकते हैं, उसको पॉट बना सकते हैं। यहाँ पर जो कॉर्ड कंटेनर है उसका हैंडल जो दिया है वो उतना स्ट्रांग नहीं होता, तो मैं उसे निकाल दूंगी और इजीली रिमूव हो जाएगा ये। और उसमें हम आराम से मिट्टी भर के कुछ भी लगा सकते हैं। मैंने इसको ऐसे ही यूज किया था पर वो उतना सुंदर नहीं दिखा, तो सोचा क्यों ना थोड़ा सा पेंटिंग करके हम इसे नया डिजाइन बना लें। तो अगर पॉट बनाना है तो उसके नीचे थोड़ा सा छेद करना होगा ताकि पानी निकल सके। मैं यहाँ पर छुरी से कर रही हूँ, अगर आप चाहें तो कोई और शार्प ऑब्जेक्ट लेकर होल कर सकते हैं, बस हमें पानी निकलने के लिए थोड़ा सा क्रेक ही चाहिए। अब हमारा जो कंटेनर है उसे हमने बहुत अच्छे से धोकर पोंछ लिया है, उसमें थोड़ा भी पानी नहीं है, सूखा है पूरा। ब्रश नंबर 10-12 आप ले सकते हैं, मैं यहाँ पर नंबर 10 का यूज करूँगी, फ्लैट ब्रश नंबर 10। और उसे भी एक बार पानी में धो के अच्छे से पोंछ के फिर हम कलर को डायरेक्ट यूज करेंगे। कलर में थोड़ा सा भी पानी आपको मिक्स नहीं करना है। और इसका एकदम पतला सा हम कोटिंग कर देंगे और इसे सूखने के लिए छोड़ देंगे। मैंने यहाँ पर लाइट और डार्क दोनों तरह के पॉट बनाने की सोची है, तो दोनों तरह के कलर मैंने लिए हैं ताकि मैं आपको उनका डिफरेंस बता सकूं। देखिए, जब हम डार्क कलर से पेंटिंग करते हैं तो एक या दो कोट से ही हमारा काम बन जाता है, यानी जो कॉर्ड कंटेनर या फिर आइसक्रीम टब के ऊपर जो लिखा हुआ पोर्शन होता है वो छिप जाता है। पर अगर लाइट कलर लेते हैं तो 2-3 कोट लगाना पड़ता है। इस तरह से हम एक ही दिशा में स्ट्रोक लगाते हुए पेंटिंग कर लेंगे। ये जो हमारा फर्स्ट कोट है उसको या तो आप अप एंड डाउन स्ट्रोक लगा के या फिर इस तरह से वर्टिकली आप स्ट्रोक्स लगा के कलर कर ले, पर हमेशा एक ही तरफ का ही स्ट्रोक लगाएंगे तो कलर अच्छे से लग पाएगा। अब ब्लैक कलर भी मैंने ले लिया है, व्हाइट, येलो, मावी या फिर ब्रिंजल कलर जो होता है, पर्पल कलर और ब्लैक, ये 4 कलर में पेंट कर रही हूँ। आप कोई भी अपना मनपसंद का कलर ले सकते हैं। ये वही मल्टीपर्पस एक्रिलिक कलर है जो कि हम फैब्रिक पेंटिंग के लिए भी यूज करते हैं। मैं हमेशा इसे फैब्रिक पर यूज करती हूँ या फिर किसी भी तरह का पेंटिंग के लिए यूज करती हूँ, लाइक चाहे वो प्लास्टिक के ऊपर हो या फिर ऊन के ऊपर या फिर कपड़े के ऊपर। अब देखिए, सुबह हमने बना के इसको छोड़ दिया था, मिनिमम 2 घंटे आपको छोड़ना होगा। और देखिए, आपको लग रहा होगा कि डार्क कलर है तो सिंगल कोट में हो जाएगा, पर ऐसा नहीं है, ब्रश स्ट्रोक्स दिखाई देते हैं, इसलिए हमें डार्क कलर को भी सेकेंड कोट देकर स्मूथ बनाना होगा और लाइट कलर को 2-3 घंटा सुखा के उसके बाद 2-3 कोट देना होगा।
तो बस इस तरह से हमें सारे के सारे पॉट्स के ऊपर कलर कर देना है। और चिंता ना करें, जब ये सूख जाएगा तो बिल्कुल अंदर की लिखावट दिखाई नहीं देगी। इस तरह से हमें सरफेस को एकदम स्मूथ बना लेना है। आप चाहें तो सरफेस को कोई टेक्सचर भी इसी टाइम पे दे सकते हैं जब आप सेकेंड या थर्ड कोट लगा रहे हैं। और लीजिए, हमें तो पेंटिंग करना था, तो हमारा दो कोट के बाद जब पूरा हो गया तो ब्लैक कलर के ऊपर मैं व्हाइट कलर से पेंटिंग करूंगी। मैं यहाँ पर लंबे लंबे इस तरह के लाइंस बना लूंगी और छोटे छोटे पोर्शन में हम इसको डिवाइड करके फिर उसके अंदर पेंटिंग करेंगे। ये एकदम सिंपल सा पॉट पेंटिंग है जिसमें हमें पहले तो ऊपर से नीचे इस तरह के सर्कल बनाना है और छोटे छोटे पोर्शन में डिवाइड करके उसके अंदर कुछ इस तरह से मैंने डिजाइन किया है। आप चाहे तो डॉट्स बना सकते हैं, आप चाहे तो ट्रायंगल्स या फिर डायमंड शेप का कुछ डिजाइन बना सकते हैं, आप चाहे तो इसके अंदर कुछ फ्लावर पेंटिंग करके भी सुंदर सुंदर से डिजाइन बना सकते हैं, पर रिपीटेटिव होना चाहिए तो सुंदर दिखता है। यानी अगर आप फ्लावर बना रहे हैं तो एक घर में फ्लावर, एक घर में लीफ, इस तरह का डिजाइन आप बना सकते हैं। आप व्हाइट कलर की जगह पर्ल एक्रिलिक का व्हाइट भी ले सकते हैं, सिल्वर कलर जो आता है वो कलर आप यूज कर सकते हैं, या फिर कोई और लाइट कलर भी ले सकते हैं। अब इस कंटेनर के लिए मैं गोल्ड या सिल्वर कोई भी कलर ले सकते हैं। मैं गोल्ड ले रही हूँ, पर्ल एक्रिलिक गोल्ड जो होता है, और ब्रश नंबर 6 का मैं यूज कर रही हूँ, फ्लैट ब्रश नंबर 6। थोड़ा सा पानी मिलाकर कलर में मैं उसे इस तरह से स्प्रेड करती जाऊंगी। बस रेंडमली आपको इस तरह से कलर को लगाना है। और देखिए, नीचे का जो डार्क कलर है वो भी हमें दिखाई दे रहा है। इसे जब हम थोड़ा सा लाइट एरिया में रखते हैं तो ये बहुत ही सुंदर दिखता है। यानी इसके ऊपर जब लाइट गिरता है तो ये बहुत सुंदर दिखता है। लीजिए, तैयार हो गया हमारा दूसरा पॉट पेंटिंग। ये बहुत ही आसान है, आप आराम से बना सकते हैं। अब व्हाइट कलर के बेस के ऊपर आप किसी भी तरह का डिजाइन बना सकते हैं। मैं यहाँ पर फ्लावर लीफ बनाकर इसे सजाऊंगी और बहुत सारे कलर का यूज करूंगी। आप चाहे तो सिंगल कलर को यूज करके भी डिजाइन बना सकते हैं, या फिर मल्टीपल कलर लेकर आप डिजाइन बना सकते हैं। मैंने लेमन येलो के और रेड के फ्लावर्स बना लिए हैं। रेड कलर को मैं अंदर भरूंगी और पेटल्स को येलो कर दूंगी और ग्रीन कलर से इसका स्टेम बनाएंगे। यहाँ पर येलो, थोड़ा सा रेड और थोड़ा सा व्हाइट मिक्स करके मैं एक लाइट पिंक कलर तैयार करूंगी। लाइट पिंक तो नहीं, ये थोड़ा सा येलो इस पिंक होगा, इससे मैं डिजाइन बना रही हूँ। इस तरह के पेस्टल कलर्स बहुत ही फ्रेश लगते हैं व्हाइट कलर के ऊपर। और जहाँ लाइट कलर के आप फ्लावर बना रहे हो वहाँ पर थोड़ा
थोड़ा थोड़ा डार्क कलर का भी टच देना, सुंदर दिखता है। तो लाइट और डार्क दोनों कलर का कलर कॉम्बिनेशन करके अपने मनपसंद कलर से आप फ्लावर्स और लीफ बनाकर व्हाइट कलर के पॉट को पेंटिंग कर लीजिए। तो आइए देखें, झटपट देखते हैं मैं कैसे इसे पेंटिंग करती हूँ। देखिए, बसंत के फूलों से सजा हुआ ये सुंदर सा पेंटिंग तैयार है। आप अपना मनपसंद कलर लेकर सुंदर सुंदर फ्लावर्स बनाकर सजा सकते हैं। अब येलो कलर का जो हमने पॉट बनाया है उसमें मैं थोड़ा सा ट्राइबल टच देना चाहती हूँ, इसलिए रेड एंड ब्लैक कलर का यूज करके मैं कुछ डिजाइन बनाऊंगी। कुछ ट्राइबल फिगर्स बना रही हूँ। वैसे तो बहुत इजी है इन्हें बनाना और आप किसी भी तरह का डिजाइन बना सकते हैं, पर मैं यहाँ पर मैन एंड वुमेन बनाकर उनके हाथों में कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दे दूंगी। और फिर ऊपर और नीचे थोड़ा सा डिजाइन बनाकर मैं इसे सजा दूंगी। चलिए इसे भी झटपट देख लेते हैं। तो इस तरह से कुछ सिंपल से आर्ट्स लेकर आप बहुत ही सुंदर सुंदर पॉट्स बना सकते हैं। कोई भी प्लास्टिक कंटेनर फेंकने से पहले एक बार इस तरह से उसे सजा के देखिए। बहुत ही आसानी से आप बहुत सारे सुंदर सुंदर फिगर्स इस तरह से बना सकते हैं।
बाजा बजाते हुए, नाचते गाते हुए, या फिर कोई ट्राइबल एक्टिविटी करते हुए आप फिगर्स बनाकर देखिए, पॉट्स बहुत सुंदर लगते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फिर प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। अगर आपको इस तरह से फिगर बनाने में कोई तकलीफ हो तो फिर आप कार्बन पेपर की हेल्प से पहले ड्रॉ कर लीजिए या फिर ट्रेस कर लीजिए, फिर पेंटिंग कीजिए। मैंने पहले भी आपको बताया है वीडियोस में कि कैसे प्लास्टिक कंटेनर के ऊपर हम ट्रेसिंग कर सकते हैं। इस तरह के सुंदर सुंदर वीडियोस बनाकर मैं हर हफ्ते अपलोड करती हूँ, आप प्लीज़ इसे एंजॉय कीजिए। और हाँ, कमेंट करके बताना मत भूलिएगा कि आपको ये सब पॉट्स कैसे लगे। थैंक यू।